गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ के फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे। और केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में जो आपको देखना है वो सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी है कि सबसे पहली क्या है, रिएक्शन क्या होते हैं। तो रिएक्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई दो से अधिक सबस्ट्रेट होते हैं और वो कंबाइंड करके एक न्यू प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। और न्यू प्रोडक्ट जो मेरे को रिलीज होता है उसका जो नेचर, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिफर करती हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें टू और मोर देन टू सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट आर कंबाइंड टूगेदर एंड प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसमें बात करें हम कि हमने एक रिएक्शन कराना है, एक ले लिया हमने एक्स और एक ले लिया हमने वाई, एक एक्स है और एक वाई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई को हमने मिलाया और इसने बनाया क्या, एक्स वाई बना दिया। अब इसके बीच में एक एरो आया, एरो के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और एरो के राइट साइड में जो कुछ भी लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ये एक्स और वाई, इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, ये दोनों कंबाइंड हो गए, एक थर्ड पॉइंट हमको मिला, थर्ड प्रोडक्ट हमको मिला, थर्ड एलिमेंट हमको मिला, जो कुछ भी मिला इसकी जो नेचर होगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो इस एक्स और वाई से क्या होगी, डिफर होगी। अब इन दोनों के मिलने में, इन दोनों के कंबाइंड होने में जो कुछ भी प्रोसेस हुआ है उसी प्रोसेस के हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। एरो के लेफ्ट साइड में जो कुछ लिखा जाता है उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, एरो के राइट साइड में जो कुछ लिखा जाएगा उसको हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे, बीच में एरो लगा देगा। अब इसके बाद में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा टाइप है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीटिंग डिकम्पोजिशन है, तो वो सबका एक एक करके डिस्कशन है। बट नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब यह है जैसे हमने एक ले लिया ए और ले लिया बी, और ए और बी ने मिल करके एक प्रोडक्ट बनाया क्या, ए बी। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये पॉसिबिलिटीज हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स के मार्किंग या रिएक्टेंट्स के जो नंबर होंगे टू और मोर देन टू हो सकते हैं, बट हियर प्रोडक्ट्स ओनली वन, प्रोडक्ट्स विल फाइंड ओनली वन, प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पे एक ही मिलेगा आपको, बट रिएक्टेंट के नंबर चेंज हो सकते हैं, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, बट प्रोडक्ट सिर्फ एक ही मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है उसको अच्छे से देखिए। पहला एग्जाम्पल इसका है, आपने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड और इस कैल्शियम ऑक्साइड का जब आपने रिएक्शन कराया H2O से तो ये क्या मिला, CaOH का होल ट्वाइस। अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड का H2O से रिएक्शन कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। सबसे बड़ी बात ये थी, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो था ये आपका सॉलिड फेज में था, उससे भी बड़ी बात है H2O लिक्विड फेज में था। अब सॉलिड और लिक्विड फेज मिलेगा तो लिक्विड ही तो मिलेगा, नहीं सॉलिड ही मिलेगा, नहीं जो फेज मिलेगा वो कोई दूसरा होगा, क्या मिलेगा, एक्वस मिलेगा। इसमें एक्वस बोलेंगे, फेज तो लिक्विड का ही है, नेचर लिक्विड का ही दे रहा है, बट अभी क्या करेंगे उस लिक्विड के अंदर कोई एक सब्सट्रेट और मिला हुआ तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब अच्छी बात क्या देखनी है वो देखिए, ये सॉलिड फेज था, लिक्विड में डिजोल्व कराया, एक्वस सॉल्यूशन मिला। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, ये भी तीन चार तरह का रिएक्शन ये खुद अकेले शो कर रहा है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और इम्पोर्टेंट भी है, ये आप लोगों को एग्जाम में मिलता है। अब इसमें क्या देखेगा आपको, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देखेगा, ऑब्जर्वेशन इसका क्या होगा कि यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड था, ये सॉलिड फेज में था, ये लिक्विड फेज में था, जैसे ये दोनों मिलेंगे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, हीट निकलेगी, अगर हीट निकलेगी तो यहाँ पे हीट आएगी, हीट यहाँ पे निकलेगी, और कोई भी रिएक्शन अगर कंप्लीट होने के दौरान हीट निकल रही है तो उसको सर हम बोलते हैं
एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसी ने पूछा व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप सीधा बोलिए व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर प्रोड्यूस वन कंपाउंड एंड रिलीज द हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। तो अगर हीट निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात तो समझ में आए कि दोनों को मिलाएंगे हीट निकलेगी। तीसरी बात ये देख लीजिए कि जैसे ये इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे आपको ये कंटेनर मान लीजिए हमने लिया और इसके अंदर पानी था, लिक्विड H2O था, इसके अंदर हमने CO डाल दिया और जैसे ही निकलेगा कुछ यहाँ पर हीट निकलेगी, भाप निकलेगी, वेपर्स निकलेंगे, वही हीट होगी। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, यानी यहाँ व्हाइट देखने को मिलेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि हीट भी निकल रही है। नया क्या मिला? हीट निकल रही है सर और कुछ यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बी, हमने ले लिया नाइट्रोजन और ले लिया हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स थे और ये रिएक्टेंट्स मिले, यहाँ पर प्रेशर भी होगा और दूसरा ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी होगा। तो नाइट्रोजन कंबाइंड टुगेदर हाइड्रोजन इट विल प्रोड्यूस NH3 जिसका नाम क्या है? अमोनिया। अब देखिएगा ये भी गैसियस फेज में था, ये भी गैसियस फेज में था। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा सर? ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे, इनका बैलेंस अगर करना है तो 3 से यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ कर देंगे। इसके बैलेंस करने की ज़रूरत है क्या? नहीं बैलेंस, ये दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन एक कैसे करेंगे? इसका बैलेंस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से करेंगे, 2NH3 से करेंगे। ये अमोनिया है, नया है, गैस है। तीसरा सी देखेंगे इसका, यहाँ लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ लेंगे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या मिलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे अगर यहाँ पे 2 ले लेंगे और 2 3 6 और 2 2 4 और 2 6 एक सल्फर, नो यहाँ से करेंगे, यहाँ 2 सल्फर 1 4 6 2 सल्फर 2 3 6 ठीक। यहाँ पे देखिए 2 था एक ही मिला, 2 था एक ही मिला, 2 था एक ही मिला, 2 था एक ही मिला। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है आपके ये किसके कॉम्बिनेशन के रिएक्शन है। जब दो या दो से ज्यादा टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टूगेदर प्रोड्यूस वन मोर कंपाउंड्स, तो हीट की बात नहीं कर सकते। हीट किसी में निकलेगी किसी में नहीं निकलेगी, सब में नहीं निकलेगा, जिसमें निकलेगा उसको हम एक्सोथर्मिक बोल देंगे। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसके बाद में देखेंगे आप लोग उसके बाद देखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। कितना टाइम कंप्लीट हो गया? डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेक करना। कोई बड़ा प्रोडक्ट हो और उसको हीट के इफेक्ट में लाके आप डीकंपोज कर दो, तोड़ दो। जैसे कहने का मतलब है कि हमने ले लिया यहाँ पे CaCO3 और इसको क्या कर दिया, हमने हीट कर दिया, एक प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे ये मिला CaO और यहाँ पे मिल गया CO2, एक ही प्रोडक्ट होगा और दो या दो से ज़्यादा मेरे को क्या मिलेंगे, एक ही रिएक्टेंट होगा और दो या दो से ज़्यादा क्या मिलेंगे मेरे को, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का बोलेंगे। और इसमें क्या था, इसका अपोजिट था कौन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या कर रहे थे हम कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट ले रहे थे और प्रोडक्ट हमको सिर्फ एक ही मिल रहा था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक और देखिएगा, जो आपने अभी देखा है NH3 लिया है, ये NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर आपने प्रेशर इसका डाउन कर दिया, डाउन कर दिया प्रेशर, प्रेशर आपने कम कर दिया इसका, तो ये फिर से ब्रेक करने लगेगा N2 में और H2 में। अब देखिए रिएक्टेंट एक ही था और इसके प्रोडक्ट दो मिलने लगे। उसके बाद में आप देख लीजिए इसी का डिकम्पोजिशन में चले आएंगे तो यहाँ वाटर ले लीजिएगा और वाटर में चले आइएगा तो वाटर को क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे दे दोगे इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे तो ये फिर से किस में ब्रेक करेगा, H2 में और O2 में ब्रेक करने लगेगा। तो जब कोई एक बड़ा प्रोडक्ट हो, लार्ज प्रोडक्ट हो और उसको हीट के इफेक्ट में ला करके या किसी भी कंडीशन में ला करके उसके रिएक्टेंट्स को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर दे रहे हो हम लोग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। अगली वीडियो आपको भी थोड़ी देर में मिलेगी। थैंक यू।